हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ मैकेनिकल ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट विथ मी. दिस इज यज्ञेश चनावाड़िया. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक, जो मैकेनिकल ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और इसके अलावा अगर आप फ्यूचर में इंडस्ट्रीज में डिज़ाइन फील्ड में काम करना चाहते हो तो यहाँ पे भी ये टॉपिक आपके नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा एनहांस करेगा. तो इसे ध्यान से समझिएगा जो भी बातें होती है. अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करें तो हम जानते हैं कि प्रोजेक्शन कितने टाइप के होते हैं, और इसमें हमारे काम के जो प्रोजेक्शन है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन. जैसे कि हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में सीखे थे कि प्रोजेक्शन किस तरीके से लिया जाता है, तो हम जैसे कि ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग में हम सीखे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू और राइट हैंड साइड व्यू और रियर व्यू को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसे हम ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शन लिए है ऐसा कहते हैं. इसके लिए हम प्रोफाइल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन की हेल्प लेते हैं. यह कॉन्सेप्ट आपको ये ड्राइंग से और ज़्यादा समझ में आ रहा होगा. इसमें भी एक ऑब्जेक्ट के आजू बाजू में प्रोफाइल प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन को दिखाया गया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम इस 3D इमेजिनेशन को कागज़ के ऊपर, पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो सारे प्लान को एक प्रॉपर फॉर्मेट में खोल दिया जाता है, जिसकी वजह से दो अलग अलग प्रोजेक्शन सिस्टम्स बनती है, जिसमें हम उसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम से जानते हैं. उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में जो हमारा फ्रंट व्यू है वो तो सेंटर में ही रहेगा, लेकिन जो टॉप व्यू है ऑब्जेक्ट का वो फ्रंट व्यू के नीचे चला जाएगा एंड बॉटम व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर चला जाएगा. वैसे ही राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में चला जाएगा एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट साइड में चला जाएगा. फ्रंट व्यू एंड रियर व्यू अपनी जगह पे ही रहेंगे. वैसे ही थर्ड एंगल में होगा, लेकिन थर्ड एंगल में आप देखेंगे कि जो हमारा टॉप व्यू है वो फ्रंट व्यू के ऊपर रहेगा, बॉटम व्यू फ्रंट व्यू के नीचे, लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में, राइट हैंड साइड व्यू राइट में. तो यह कॉन्सेप्ट आप इस ड्राइंग से अच्छे से समझ सकते हैं. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को एज ए एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखाया गया है, जिसमें उसके हर एक व्यू को आप देख सकते हो कि उसे कागज़ पे कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे सोचा जाता है जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हर एक साइड को इंडिविजुअल ही दिखाया गया है. आप ये उसके ड्राइंग के ऊपर से समझ सकते हैं. यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट एंटर होता है जिसे हम बोलते हैं सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक. यहाँ पे होता क्या है कि जब भी कोई मैकेनिकल ऑब्जेक्ट, हमने अब तक तो यही सीखा है कि वो मैकेनिकल ऑब्जेक्ट उसकी जो 6 साइड्स है वहाँ से कैसा दिखता है वही हम ड्रॉ करते थे, लेकिन वहाँ पे उसके इंटरनल फीचर्स हम देख नहीं पाते थे. तो वह इंटरनल फीचर्स देखने के लिए हम उस मैकेनिकल ऑब्जेक्ट को बीच में से या फिर जहाँ पे ज़रूरत है वैसे काटते हैं, और काटने के बाद फिर उसका जो ड्राइंग है, उसके इंटरनल फीचर्स का जो ड्राइंग है वह हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ड्रॉ करते हैं. तो इस कॉन्सेप्ट को हम सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक के नाम से जानते हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट को बीच में से काटा गया है, जिससे उसके होल के इंटरनल फीचर्स हम यहाँ पे देख सकते हैं. कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आए इसलिए हम यहाँ पे स्क्रू जैक का एग्जांपल लेंगे. स्क्रू जैक जो नॉर्मली देखे तो कुछ ऊपर वाला आप ड्राइंग देखे वैसा दिखता है, लेकिन अगर उसका सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक कट लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे इंटरनल फीचर्स आप देख सकते हो, और इसकी मदद से आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे कि स्क्रू जैक में जो उसके अलग अलग पार्ट्स है, कप है, नट है, टॉमी बार है या बेज है, वह एक दूसरे के साथ कैसे असेंबल है और किस तरीके से मैकेनाइज्ड वे में वो काम करते हैं, वह आपको यह सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से ही अच्छे से समझ में आएगा.
और इसीलिए उसे बीच में से काटा गया है, यह आप ड्राइंग में देख सकते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल जो हमने पहले देखा था वही फिर से डिस्कस करेंगे, नकल जॉइंट। नकल जॉइंट में भी वही कॉन्सेप्ट, जो उसके सारे पार्ट एक दूसरे के साथ कैसे असेंबल है, कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और एक परफेक्ट जॉइंट बनाते हैं, वह समझने के लिए उसे बीच में से काटा हुआ है। आप इसके ड्राइंग के ऊपर से इसे देख सकते हैं। वैसे ही हमने एक और प्रॉब्लम देखा था, स्ट्रैप जॉइंट विथ गिबन क्वार्टर, उसमें भी हमने उसके इंटरनल फीचर्स को अच्छे से समझने के लिए उसे बीच में से काटा था, मतलब के उसका क्रॉस सेक्शन लिया था, यह आप देख सकते हैं। और एक एग्जांपल यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जिसमें एक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट को बीच में से काटने से उसके इंटरनल फीचर्स आप और अच्छे से समझ सकते हो। यह एक और ऑब्जेक्ट का ड्राइंग है, इसमें भी आप उसके सेक्शनल व्यूज देख सकते हो। ये एक और एग्जांपल है, इसमें भी आप उसके सेक्शनल व्यूज देख सकते हो और उसे किस तरीके से पेपर पे ड्रॉ किया जाता है वो भी आप देख सकते हो। यह एक और एग्जांपल, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात समझने की ज़रूरत है, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट के जब आप ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग बनाते हो तो उसमें एक रिब जैसा पोर्शन आता है। रिब एक ऐसा पोर्शन है जो ऑब्जेक्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसमें रखा हुआ होता है। लेकिन जब आप सेक्शनल ड्राइंग बनाते हो कोई भी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट का, तब ये रिब अगर काटने की ज़रूरत पड़ती है तो उस रिब के क्रॉस सेक्शन में आप उसे हैचिंग लाइन से नहीं दिखाओगे। यह बात ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग ड्रॉ करते वक्त ध्यान में रखनी बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे आप एक और मैकेनिकल ऑब्जेक्ट का सेक्शनल ड्राइंग देख सकते हो। होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई डाउट हो या क्वेरीज हो तो उसे कमेंट में बताएं, हम आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।